Hello students. Students, in this week we are going to learn Unit 7, Amazing Assam. So children, first of all I want you to take a look in your textbook page number 83. Children, you can see that here we having one box. Let's see. Get started. Children, here we having pictures of different, you know, festivals. Now see, in which states are the, you know, above festivals mainly celebrated? Write their names. Now second question, write the names of other festivals you know about. Third one, tell your group members which festival you celebrate and how. These things, children, we will talk, okay, during our class. And now children, you can see that here, see, India is a vast country where people of different cultures and customs live together peacefully. Bharat jo hai, wo itna vishal kaay, bahut hi bada desh hai, jahan pe alag alag tarah ke jo log hain, unke jo hai, culture jo hai, unki sanskruti alag hai, unke parampara jo hai, ritu rivaj alag hai, phir bhi, you know, they are living together, you know, customs live together peacefully. वे शांति से एक साथ जो हैं साथ में रहते हैं. They speak different languages and worship different gods. वे जो हैं अलग अलग तरह की भाषाएं बोलते हैं और अलग अलग गॉड में भी बिलीव करते हैं, उनकी पूजा करते हैं. Still, they are united just like the flower in a bouquet of multicolored flowers. फिर भी बच्चों यहाँ पे अलग अलग भाषा जो हैं, अलग अलग गॉड गॉडेसिस में वे जो हैं बिलीव करते हैं, उनको मानते हैं, फिर भी वे जो हैं जिस तरह से मानो बच्चों जो फ्लावर का जो गुलदस्ता होता है ना, वे उसके अंदर जो अलग अलग तरह के जो फ्लावर्स होते हैं और वो जो गुलदस्ता जो है कितना खूबसूरत दिखता है, वैसे ही हमारे भारत देश में सभी लोग जो हैं मिलजुल के साथ में रहते हैं. ओके, नाउ सेकंड पैरा ऑफ दैट वन. चिल्ड्रन, एवरी स्टेट ऑफ इंडिया, भारत का जो हर राज्य जो है इज़ यूनिक एंड ब्यूटीफुल. वो अपने आप में जो है देर इज़ नो कंपेरिजन ऑफ इट, इसकी हम कोई तुलना नहीं कर सकते हैं, बहुत ही सुंदर है. एंड इट इज़ टोटली डिफरेंट देन अदर्स, यूनिक है, मास्टरपीस है. द नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट ऑफ इट हैज़ 7 स्मॉल स्टेट्स. और हम इसके नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट की बात करें तो यहाँ पे ऐसे 7 ऐसे छोटे राज्य हैं. इन दैट अरुणाचल प्रदेश, असम, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा एंड मेघालय. नाउ चिल्ड्रन, दे आर कॉल्ड 7 सिस्टर्स. और इन सभी स्टेट्स को, इन सभी राज्यों को 7 बहनें कहा जाता है. पीपल इन दीज स्टेट्स हैव अ सिमिलर लाइफस्टाइल. और यहाँ पे जो लोग रहते हैं, इन राज्यों में रहते हैं, उनका जो जीवन शैली है, द वे ऑफ लिविंग, ओके, एक जैसी ही है. उनका रहन सहन जो है एक जैसा ही है. मोस्ट ऑफ देम आर मेनली आर्टिसंस, वीवर्स एंड फार्मर्स बाय प्रोफेशन. ज़्यादातर वहाँ पे रहने वाले लोगों की अगर हम बात करें तो वे कारीगर हैं, बुनकर हैं, एंड यू नो दे आर फार्मर्स बाय प्रोफेशन, किसान हैं. इस तरह से यू नो सभी लोगों ने अपने आप को ऐसे प्रोफेशन में, व्यवसाय में जो है मीन्स एक्टिविटी में अपने आप को लगा रखा है. दे आर बिजी विद सच काइंड ऑफ एक्टिविटीज. नाउ लेट्स सी थर्ड पैराग्राफ. वन ऑफ दीज स्टेट्स
आज बच्चों इन्हीं में से किसी एक स्टेट की बात करने जा रहे हैं, एंड दैट वन इज असम। चिल्ड्रन, असम इज अ लैंड रिच विथ यू नो फ्लोरा एंड फौना। असम जो है वो ऐसी भूमि है जिसमें हम देखें तो हर जगह पे प्लांट्स एंड एनिमल्स हम पाएंगे। ओके, वेयर एवरीवेयर वी विल फाइंड सच थिंग्स। एंड चिल्ड्रन, इट इज़ फेमस फॉर इट्स वाइल्ड लाइफ। वो अपने वाइल्ड लाइफ जो है उसके लिए बहुत ही प्रचलित है, जाना जाता है। जंगल की हरियाली, वहाँ पे बसने वाले सभी बर्ड्स एनिमल्स का एक ठिकाना है। ओके, सो हियर वी विल फाइंड ग्रीनरी एवरीवेयर। Tourists visit it largely to enjoy its forest and see the rare animals and birds. और कई ऐसे देशों से जो हैं यहाँ पे टूरिस्ट आते हैं, मुसाफिर जो हैं यहाँ पे आते हैं, मुलाकात लेते हैं, और ये बड़े पैमाने में आते हैं बच्चों। यहाँ पे कई लोग आते हैं आउट ऑफ अदर कंट्रीज एंड यू नो टू एन्जॉय इट्स फॉरेस्ट। यहाँ पे सभी जंगलों का है वे जो है आनंद उठाते हैं, और वहाँ पे जो कम बहुत कम जो दिखते हैं, ओके, हर जगह पे नहीं दिखते हैं, लेकिन ऐसे कुछ एनिमल्स जो हैं जो कि लुप्त हो रहे हैं, ऐसे वहाँ पे जो कुछ एनिमल्स की प्रजातियाँ हैं और ऐसे बर्ड्स हैं, उनको देखने के लिए यहाँ पे आते हैं टूरिस्ट। अ मेजर सिटी इन आसाम, अगर हम बड़ी ऐसे शहर की बात करें, सो दैट इज गुवाहाटी। नाउ सी व्हाट इज मीन बाय दैट। गुवाहाटी इज मेड अप ऑफ टू वर्ड्स, दो शब्दों से बना हुआ है। गुवा विच मीन विच इज द नेम ऑफ अ नट, अखरोट, एंड हैट मीनिंग मार्केट, ओके, बाजार। पीपल फ्रॉम डिफरेंट रेसेस लिव पीसफुली इन दिस सिटी। अलग अलग जो हैं समुदाय के जो हैं लोग जो हैं यहाँ पे एक साथ शांति से रहते हैं। चिल्ड्रन, वन मस्ट विजिट आसाम एट द टाइम ऑफ माघ बिहू फेस्टिवल, that is also known as Bhogli Bihu, which is held in the middle of January to celebrate Sankranti. बच्चों यहाँ पे यू नो हर किसी को अगर आसाम की जो है उसका दौरा करना है, वहाँ पे जो है अगर किसी को जाना है, और वैसे तो हर किसी को जाना चाहिए, ओके, दैट विल मेक यू हैप्पी। आपको यू नो अलग ही नज़ारा देखने को मिलेगा। You will feel more happy by being part of such, you know, natural thing. Now, children, after, you know, going there, you know, you will find that if you will go there at the time of Maagh Bihu festival, एक उनका त्योहार है बच्चों, और उसे भोगली बिहू भी कहा जाता है, जो कि जनवरी जो है, जो जनवरी है उसके मिडिल जो है पार्ट में ही जो है सेलिब्रेट किया जाता है। यू नो दे आर सेलिब्रेटिंग संक्रांति, दे हैविंग अ फेस्टिवल। नाउ इट इज़ अ ग्रैंड फेस्टिवल फॉर द नेटिव्स ऑफ आसाम, और वहाँ पे रहने वाले जो लोकल पीपल हैं उनका ये बहुत ही बड़ा त्यौहार है। ऑन दिस ओकेजन स्वीट your sweets with coconuts and sesame seeds are prepared in every household. और इस त्यौहार पे है ना ये जो मिठाइयाँ होती हैं, है ना, नारियल है, और उसके साथ ये जो sesame seeds हैं, तिल के जो बीज हैं, और हर हर घर में हम पाएंगे उनको, उनके जो हैं उनको तैयार किया जाता है। वे सभी जो है इस चीज़ों को प्रिपेयर करते हैं हर घरों में, यू नो वी विल फाइंड दैट थिंग्स।
Now children, what is mean by bhog? Bhog means feasting, okay, or daavat dena. And as the name suggested, it is a festival of, और जैसे कि मानो ये जो है नाम जो है सजेस्ट किया गया है, इट इज अ फेस्टिवल ऑफ फिस्टिंग, इट इज अ फेस्टिवल ऑफ फिस्टिंग चिल्ड्रन. यू नो पीपल विजिट देयर नेबर्स एंड रिलेटिव्स, लोग जो हैं अपने पड़ोसी और अपने जो संबंधी होते हैं उनका उनके जो वे मुलाकात करते हैं, दे गेट टुगेदर, वे मिलते हैं सभी एंड दे कुक ट्रेडिशनल डिशेस. वो अपनी जो है पारंपरिक जो भी डिशेस होती हैं वो कुक करते हैं एंड यू नो दे बर्न द मेज एंड मेक मेरी. They are making different kind of naturally here means it is, you know, like a structure made of hay. घास से बनी एक संरचना है and they make merry means वो जो हैं सभी खुशी मनाते हैं. They are enjoying there. Another paragraph. Now see Kongli Bihu. There is one more celebration, children. One more festival of Assam, and that one is celebrated in mid-October. Okay, middle of October month every year. People worship goddess Lakshmi. सभी लोग जो हैं लक्ष्मी देवी की पूजा करते हैं. For wealth and prosperity. लक्ष्मी देवी की आराधना करते हैं, उनकी पूजा करते हैं ताकि उनके घरों में धन और समृद्धि जो है वो बनी रहे. दे ऑल्सो वर्सीव द बेसिल प्लांट. चिल्ड्रन वे सभी लोग जो हैं तुलसी की, तुलसी का जो पौधा होता है, तुलसी के पौधे की भी पूजा करते हैं. Most of the people grow it in their courtyards and light a lamp near it daily. और ज़्यादातर वहाँ के जो लोग हैं अपने आंगन में तुलसी के पौधों को जो है वे ग्रो करते हैं और वहाँ पे जो है दिए को जलाते हैं हर दिन. मीन्स एवरी डे दे आर डूइंग सच एक्टिविटीज. ओके सो वी कम टू नो दैट दोज पीपल आर you know religious people. They are believing in God and goddesses, having faith on them. Now children, women and children bow before the tulsi, okay, tulsi basil plant, and sing simple hymn. Aur ye jo striyan hoti hain aur ye jo sabhi bacche hote hain ye tulsi ki पौधे के सामने झुकते हैं और वे जो हैं गुनगुनाते हैं, साथ में भजन कीर्तन करते हैं. वन सच हाइम रफली ट्रांसलेटेड इज बीनीथ द तुलसी ग्रेसिस द डियर ऑन सिंग दिस रामचंद्र टेक्स अप हिज बो एंड एरो. रामचंद्र जो हैं तुलसी के जो हैं उसके नीचे बनी द तुलसी ग्रेजिस द डियर, जैसे कि मानो तुलसी के पौधे के नीचे हिरन जो है घास जो है खा रहा हो, है ना. एंड एट दैट टाइम हिरण को देखते हुए रामचंद्र जो है अपना धनुष जो है बाण जो है उठाते हैं. दैट वन इज यू नो सच काइंड ऑफ हाइम बिगिनिंग लाइन ऑफ दैट. नाउ चिल्ड्रन आसाम इज न्यू ईयर इज सेलिब्रेटेड ऑन 14th अप्रैल.
अब इनका नया साल जैसे हम मनाते हैं, वैसे उनका भी नया साल जो है दे आर सेलिब्रेटिंग एंड दैट इज़ ऑन 14th अप्रैल। इट इज़ ऑल्सो नोन एज रोंगली बिहू, इसका दूसरा भी नाम है जिसे रोंगली बिहू कहते हैं। ऑन द ईव ऑफ द न्यू ईयर, और ये नए साल की जो है शाम को, एट द टाइम ऑफ इवनिंग, काउस आर वर्शिप्ड, गायों की पूजा की जाती है। बिकॉज दिस एनिमल, ये जो प्राणी जो है, होल्ड्स एन इम्पोर्टेंट प्लेस इन अ फार्मर्स लाइफ, जो किसान होता है उनके जो है जीवन में जो गाय है उसका बहुत ही बड़ा योगदान है, महत्व है, मूल्य है। द काउस आर बाथ, उनको नहलाया जाता है गायों को, एंड देयर हॉर्न्स एंड हूव्स आर पेंटेड विद ब्राइट कलर्स, और उसके जो सिंग होते हैं, उनके जो खुर होते हैं, उनको चमकीले रंगों से जो है सजाया जाता है, पेंट किया जाता है। इवन देयर फोरहेड्स, उनके जो सर जो हैं, आर मार्क्ड विद वर्मिलियन। नाउ चिल्ड्रन, व्हाट इज मीन बाय दैट? हियर वर्मिलियन मीन्स सिंदूर जो है लगाया जाता है, यू नो, अ स्पेशल रेड पाउडर यूजुअली अप्लाइड बाय मैरिड वुमन इन इंडिया, वर्मिलियन। एंड आफ्टर दैट, उसके बाद दे आर फेड विद अ मील ऑफ ब्रिंजल एंड कार्ड, और उनको नहलाने के बाद, उनको डेकोरेट करने के बाद, टीका करने के बाद, ओके, फिर उन जो है गायों को जो है भोजन दिया जाता है, वो भी बैंगन और लौकी जो है खिलाया जाता है। पीपल ईट ओनली आफ्टर वर्शिपिंग एंड फीडिंग द काउस, और लोग जो हैं उनको ये गाय जो हैं, गायों को खिलाने के बाद ही वे जो हैं खाते हैं। एंड दे बाय न्यू क्लोथ्स एंड एक्सचेंज गिफ्ट्स, वे जो है नए नए कपड़े खरीदते हैं और एक दूसरे को वे जो हैं तोहफा देते हैं। पीपल टेक द ब्लेसिंग्स ऑफ द एल्डर्स इन द फैमिली, लोग जो हैं अपने बड़ों का जो है आशीर्वाद लेते हैं। मैरिड गर्ल्स कम टू विजिट देयर पेरेंट्स विद देयर रिलेटिव्स, और जिनकी शादी हो चुकी है ऐसी सभी जो गर्ल्स हैं वे अपने घर आती हैं, माँ बाप के घर आती हैं, और अपने जो हैं रिश्तेदारों से के साथ आती हैं, उनकी ब्लेसिंग लेती हैं। नाउ चिल्ड्रन, दिस इज़ व्हाट आई वांट यू टू रीड ऑल दोज पैराग्राफ, एंड रिमेनिंग पार्ट ऑफ दिस वन यू विल गेट आफ्टरवर्ड्स, ओके। एंड चिल्ड्रन, आई वांट यू टू रीड व्हेन एवर यू आर गेटिंग टाइम, एज वी हैव ऑलरेडी स्टार्टेड दैट एक्टिविटी इन आवर क्लास, एंड आई एम वेरी हैप्पी विद सम चिल्ड्रन, okay, they are taking part actively, but still I want majority of the children, okay, you be active. So this is what children, and you will get one more video regarding this unit, okay, afterwards. So till that moment, thank you very much.